उत्तर प्रदेश के बांदा में बदमाशों के कहर के तांडों का मामला प्रकाश में आया, जहां लूटपाट करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के कारण अवैध हथियारों से लैस होकर के घर में घुसकर गृह स्वामी को बुरी तरीकों से पटों से मारा पीटा। इतना ही नहीं, गांव वालों के ललकारने के बाद में गांव में 3 से 4 राउंड फायर करते हुए भाग खड़े हुए बदमाश। बदमाशों की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन आधे घंटे बाद डायल 112 के द्वारा पहुंचकर पीड़ित घायल को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम बाबू है। श्याम बाबू कौन सा पुरवा है? सुनायक सिंह का पुरवा है। देर रात क्या घटना हुई थी? रात में यही 2 बजे आए थे बदमाश लोग, ने घुसपैठा किए और मारपीट किए, और जब मालूम चला आवाज़ हुई तो हमें पैट के ले गए, तो पैट तो यहाँ पे घायल कर दिया, और जो हाथ में गए पैट के तो वहाँ पे गोली चला दिए, 3-4 फायर लगातार कर तो गोली से निकले फायर करते करते। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? 3 आदमी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की? अभी तो कार्रवाई है नहीं, मैं आई 1 घंटे के बाद आई थी पुलिस। क्या कह रही थी पुलिस? कह रहे थे गए थे वहाँ खेत में घूम फिर के चले आए, और नहीं कुछ हुआ अभी, अब जाएंगे तब जो हो गया तो अपने करेंगे। तुम्हारा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश कहाँ के रहने वाले हो? सुनायक सिंह। सुनायक सिंह के पूर्व में क्या घटना घटी थी? रात में जब चोर होते थे तो भाग रहे थे, तब हम थोड़ी देर बाद शांत हो गए, फिर थोड़ी देर बाद हम लाइटिंग करने गए, तब मारा गोली। कितने लोगों को मारा है उन्होंने? हमारे लगा है और भैया के लगा है, भाभी के मार दिए। अच्छा, क्या बंदूक से फायर भी किया है? जी। तो ये जो हाथ में चोट लगी है ये गोली का निशान है? गोली। बदमाश अभी पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। जी राम बाबू। राम बाबू, ये चोट कैसे लगी, क्या घटना हुई? मैं सो रहा था, जब मैं वो आदमी अंदर आ गए, दो आदमी जब अंदर आ गए तो अंदर बक्सा उठाने लगे, बक्सा उठाते समय में जग गया, लगता लुटी हुई समय उन्होंने मेरे मार दिया है हाथ को पर। अच्छा, क्या बंदूक लिए थे वो लोग? हाँ, कट्टा लिए। तो क्या लूटपाट करने आए थे? जी हाँ, बक्सा उठा के लिए आ रहे थे, उनको मैंने पकड़ लिया। अच्छा, उसी वक्त मेरे सर में मार दिया है, मारा है, यहाँ मार दिया। फिर आपको अस्पताल में किसने भर्ती कराया? 112 नंबर। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं यहीं से अभी कुछ रिपोर्ट आई है, और यहाँ से अभी डाल दिया गया है। 112 कितनी देर में पहुँची थी आपकी सूचना के बाद? आधे घंटे के बाद आई थी। आए हैं कौन लोग, लेके आए हैं, क्या नाम? अभी रात में अभी जिला अस्पताल पांगा में यहाँ पे 3 लोग आए हैं घायल, एक के हाथ में चोट है, एक के सर में चोट है, तो वो मारपीट की घटना बताई जा रही है, तो उनका इलाज अभी जिला अस्पताल चल रहा है। एक के हाथ में गोली लगी है और एक मरीज है, उसके सर में अभी गंभीर चोटें हैं, उन दोनों का इलाज जिला अस्पताल पांगा में किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि घर में डकैती पड़ी थी जिस वजह से गोली मारी गई। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है कि लड़ाई झगड़े का मामला है, लूटपाट का भी मामला है, इसके बारे में अभी पुलिस अभी जांच कर रही है, जैसा होगा आपको बताएगा।